आपका स्वागत है दोस्तों हमारे टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नाइट्रोग्लिसरीन एंटी एंजाइनल ड्रग है। एंटी एंजाइना क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सडन सीवियर चेस्ट पेन होता है और ह्यूनेस, और इसमें क्या होता है रेडिएट होता है, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है क्या रेडिएट होता है, रेडिएट टू नेक जॉ बैक एंड आर्म तक ये रेडिएट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होने के बाद हमें कॉज होता है कोरोनरी जो ब्लड फ्लो होता है, इसमें क्या होता है कि इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम तक ऑक्सीजन की डिमांड कम पड़ जाती है, इसलिए ये हमें एंटी एंजाइना देखने को मिलता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें एंटी एंजाइनल ड्रग दिया गया है नाइट्रोग्लिसरीन। तो आज हम नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस स्ट्रक्चर और यूजेस क्लिनिकल यूजेस देखने वाले हैं। और चलिए शुरुआत कर दें इसके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH2ONH2 CH2ONO2 CH2ONO2। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन है, इसे ग्लिसरीन नाइट्रेट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी कहते हैं। सॉरी, ग्लिसरील एक ग्लिसरील ग्रुप है और ट्राई तीन है, मतलब ट्राई ट्राइनाइट्रेट। तो यह उसका स्ट्रक्चर। तो अब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो सिंथेसिस में क्या है, CH2OH CH2OH ग्लिसरीन, एक ग्लिसरीन है प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, आपने सुना होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हमें सिंपली ये ऐड करना है थ्राइस में, मतलब तीन बार या आ जाए, इसलिए हमें थ्राइस में ऐड करना है और HTSO4 के साथ इसे ट्रीट करना है और हमें नाइट्रोग्लिसरीन मिल जाएगा और बाय प्रोडक्ट वाटर मिल जाएगा। तो आपका इसे एक लाइन लिखनी होगी वहाँ ऊपर कि ग्लिसरीन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ और एडिशन ऑफ HTSO4 टू फॉर्म और टू गिव नाइट्रोग्लिसरीन एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर। ऐसा आप यहाँ लिख सकते हो ऊपर कि एग्जाम में आया तो मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो आप एक सिंथेसिस को अच्छे से कर लेना। तो फिर से लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन प्लस नाइट्रिक एसिड और HTSO4 गिव्स नाइट्रोग्लिसरीन एंड वाटर, ये हुआ इसका सिंथेसिस। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बड़ी है और जो फार्माकोलॉजी है आपको थर्ड ईयर में भी उसमें भी आपको नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप ये अच्छे से कर लेना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी है। फॉर्म फ्री रेडिकल नाइट्रेट एसिड नाइट्रिक एसिड NO विच एक्टिवेट ग्वानिल साइक्लेज। ये क्या करता है, NO ग्रुप जो होता है नाइट्रिक और ऑक्साइड, ये क्या करता है एक्टिवेट ग्वानिल साइक्लेज, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द GUANOSINE 3-5 मोनोफॉस्फेट। ये क्या करता है, रिजल्ट जो NO होता है वो एक्टिवेट करता है ग्वानिल साइक्लेज को और रिजल्ट में क्या देता है इंक्रीज द GUANOSINE 3-5 मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब साइक्लिक GMP को इंक्रीज कर देता है एंड इन स्मूथ मसल एंड अदर टिश्यू। जो हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं और स्मूथ मसल होते हैं वहाँ साइक्लिक GMP को इंक्रीज कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, द इवेंट लीड्स टू डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो निकल जाता है ऑफ मायोसिन लाइट चेन एंड विच रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट ऑफ स्मूथ मसल एंड रेगुलेट करता है, मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ है उसको रेगुलेट करता है एंड रिजल्ट इन वासोडाइलेशन, मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ है उसे रेगुलेट करता है, मतलब इनहिबिट करता है और वासोडाइलेशन दिखाता है। तो ये उसका सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो फिर से लेते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए NO जो ग्रुप है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट ग्वानिलिल साइक्लेज रिजल्ट इन इंक्रीज द साइक्लिक AMP इन स्मूथ मसल एंड लीड्स टू डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंड विच रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट ऑफ स्मूथ मसल एंड रिजल्ट इन टू वासोडाइलेशन। ये हुआ सिंपली में, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्लिनिकल यूजेस क्या क्या है। इट इज़ अ यूज फॉर सीवियर। अब जब सीवियर केसेस आते हैं तब इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे हम रैपिड डिलीवरी है इसकी और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसकी। और हम इसे जो सबलिंगली हम इसे लेना चाहते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द मोस्ट ऑफन यूज फॉर सीवियर। जब इन सीवियर केसेस में लेते हैं तो इसे सबलिंगल केसेस में लेते हैं एंड
रिकरेंट प्रिज मेटल अनजाना में इसे भी यूज़ किया जाता है। जो रिकरेंट प्रिज मेटल अनजाना होता है, वेरिएंट अनजाना, इसमें भी टेम्पररी अनजाना जो होता है उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो आपका नाइट्रोग्लिसरीन। तो हमने क्या देखा, यूजेज देखे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस और स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटे वाला बटन है उसे भी दबाना मत भूलें, नहीं तो आपके पास अगले वीडियो